तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के लेकर, ट्रेवलिंग इंश्योरेंस के लेकर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को जानना चाहिए दोस्तों, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी भाइयों को फायदा हो सके। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। आपको बता दें कि जब भी आप ऑनलाइन टिकट काटने जाते हैं, काउंटर पे हो या फिर आप अपने मोबाइल से काटने हैं या फिर किसी जगह पे साइबर कैफे में जाकर कटवाते हैं, तो इंश्योरेंस का फॉर्म जब आप भरते हैं, जब टिकट आप लेते हैं, उस समय एक इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है दोस्तों, जिसमें आपको 35 पैसा लगेगा, मात्र 35 पैसा लगता है दोस्तों। और ये 10 लाख का क्लेम होता है दोस्तों, किसी भी हादसे में से बालासुर रेल हादसा हो गया दोस्तों, अगर जो लोग इस फॉर्म को भरे होंगे दोस्तों, नॉमिनी का नाम डाले होंगे दोस्तों, उनको 10 लाख एक्स्ट्रा मिला होगा दोस्तों। तो आपको बता दें ये कंडीशन है इसमें दोस्तों, कुछ कंडीशन है जिसे कि जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जैसे 35 पैसे का ही लगता है, 35 पैसा आपके अकाउंट से कटेगा दोस्तों, और अब आपको 10 लाख रुपया देगी IRCTC। जी हाँ दोस्तों, हादसे के बाद आपको मिलेगा 10 लाख रुपया, करना कुछ नहीं है। जैसे ही आप ऑनलाइन टिकट काटिएगा या फिर आप ऑफलाइन टिकट जैसे ही स्टेशन से लेते हैं, तो एक फॉर्म आता है इंश्योरेंस का, वो फॉर्म को भरिए, नॉमिनी का नाम डाल दीजिए। आपको बता दें ऑनलाइन जब टिकट काटिएगा तो आपके जीमेल पर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में अपना नॉमिनी का नाम डालना रहता है दोस्तों, तो नॉमिनी का नाम डालिए और 10 लाख का हकदार हो सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिस ट्रेवल इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, इसको क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, कि IRCTC के द्वारा रेलवे में जो भी आदमी टिकट बुक करता है उसको ये दिया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, खास करके ट्रेवल इंश्योरेंस भरना, क्योंकि जब भी बहुत लोग जानते हैं फिर भी नकार देते हैं, लेकिन एक्सीडेंट केस में ऐसा होने से आपको 10 लाख रुपया मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें कि जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कुछ कंडीशन है जिसे मात्र 35 पैसे में 10 लाख IRCTC देता है, इसका कुछ कंडीशन है दोस्तों, आपको आगे हम बता रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। जैसे ट्रेन ट्रेवल इंश्योरेंस के बारे में बता दें कि तीन जो कैटेगरी एक्सीडेंट का होता है, या तो टेररिस्ट एक्ट में होगा, या फिर अटैक हो गया, या फिर रोबरी हो गया, डकैती हो गया, तो या शूट आउट हो गया, एक्सीडेंट फॉलिंग एनी पैसेंजर फ्रॉम ट्रेन से गिर गया, उस केस में भी एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों, या फिर आपका एक्सीडेंट का कोलिजन, जैसे भी बालासुर ट्रेन हादसा हुआ, ये तो एक्सीडेंट कोलिजन था दोस्तों, इसमें भी आपको 10 लाख रुपये मिल जाता दोस्तों। तो इस तरह से बहुत तरह के एक्सीडेंट हो जाता दोस्तों। तो आपको बता दें कि आप डेथ होने के कंडीशन में 10 लाख रुपया दिया जाता है, और सीरियस अगर कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उसको भी 10 लाख रुपया दिया जाता दोस्तों, और परमानेंट पार्शियली डिसेबल है, पार्शियली अगर थोड़ा सा होता तो 7.5 लाख रुपया दिया जाता दोस्तों। उसके बाद अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, एक्सपेंसेस कुछ इंजरी होती है, उस केस में आपको 2 लाख रुपया दिया जाता है, और जो हल्का फुल्का जो खर्च होता है उसके लिए भी 10,000 रुपया दिया जाता है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मात्र 35 पैसा दे के आप इस ट्रेवल इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जब भी आप टिकट लें, ट्रेवल इंश्योरेंस का फॉर्म भरें, नॉमिनी का फॉर्म जरूर भरें दोस्तों। मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी भाइयों के फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय नंदन।